थप्पड़दार, जो तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें क्या करोगे? फिर से ये कांटा चुभाओगे? चिंटू मेरे, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा तुम तक पहुंचने के लिए। अंगूठी छाप, तुझे जितने जादू टोने करने हैं कर ले। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी हंसी और अपना भाई दोनों छीन लूंगा। अरे अभी अभी इस घर से जिन उड़ के निकला है, अब तुम आ रहे हो? तुम्हारे जिस्म पर एक भी खरोच नहीं है, उसने हमला नहीं किया तुम पर? इससे क्या पूछते हो? ये तो एक नंबर का झूठा है, भगोड़ा है। ये और इसकी अम्मी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब मुसीबत आती है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। जान ना पहचान, आप लोग तो मुझ पर चढ़े जा रहे हैं। शराफत से बात कीजिए, कौन है आप? अरे तुम हमें नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। तुम झूठे हो, गद्दार हो, और बगदाद के दुश्मन हो अपने बाप की तरह। आप लोगों के पास वक्त होगा शायद, लेकिन मेरे पास नहीं। मुझे काफी काम है, मुझे जाने दीजिए। अरे रुको, आंटी। अरे अरे अरे, अच्छा सच चुप गया तो अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हो? अरे देखते क्या मारो इसको। बच गए बेटे की, तुम फंस गए। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे हमें यकीन है जिस दिन आपको कोई पसंद आएगा, आप सबसे पहले उसे हमसे मिलाएंगी। हमें अब्बा हुजूर से झूठ बोलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम उन्हें कहते भी क्या? हम खुद ही नहीं जानते कि अलादीन और हमारे बीच क्या है। मेरे बारे में सोच रही हो तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिल के पास आया हूँ। मैं पास नहीं होता हूँ तो ये बहुत जोर जोर से धड़कता है। नहीं, जब तुम आ जाते हो ना, तब हमारी दिल की धड़कनें ज्यादा तेज हो जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ आती है मुसीबत। शायद यही तरीका है तुम्हें अपने पास बुलाने का, मुसीबत। क्योंकि आधा दिन मुसीबत में हो और नचड़ी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी मुसीबत में हो, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। कोई भी? हाँ कोई भी। तो ये जो कोई भी जनाब है, क्या इनसे भी तुम ख्यालों में बातें करती हो या फिर सिर्फ मुझसे ही? अरे भाई मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। लड़ाई उन लोगों ने शुरू की थी, मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप हो गया, चल चुप हो। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, लड़ाई उन लोगों ने शुरू की थी, मैं बेगुनाह हूँ। हम भी ना हमेशा काले चोर के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए तो हमेशा वो हमें अपनी आंखों के सामने दिखता है। लेकिन आज हम धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ना ही वो हमारी आंखों के सामने है और ना ही वो किसी मुसीबत में है। आज हम उल्लू नहीं बनेंगे। भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहां से ना हवा भी बाहर नहीं जा सकती है। तुम तो फिर भी इंसान हो, और हाँ कल तुम्हारी सुनवाई होगी।
आका। चिरू, खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए मेरे भाई। आका मैं तुम्हारे सामने जरूर हूँ लेकिन तुमसे बहुत दूर। चिरू तुम कहीं पे भी हो मैं आऊंगा जिनू, मैं किसी भी कोने में आऊंगा जिनू। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो भाई। मेरे नया का मुझे बुला रहे, मुझे जाना होगा, मुझे बचा लो। जिनू जिनू मुझे कोई सुराग तो देते जाओ। जिनू 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 मुझे बताओ तुम कहाँ हो। जिनू मैं क्या करूँ। जिनू चिराग। जिनू नहीं जिनू। चिराग जिनू तक पहुंचने के लिए पहले चिराग को ढूंढना होगा। आइए चाची जान, आइए। रुखसार आओ आओ आओ। अच्छा किया गुल्लू तू अपनी चाची को यहाँ लेकर आ गया। रुखसार बहन अब बताओ ये घर कब खाली कर रही हो। अब्बू चाची जान को यहाँ अम्मी ने बुलाया है। अम्मी आप चाची जान को फंसाना चाहती थी ना ताकि वो इसी घर में रहे। मेरे चांद के टुकड़े फंस तो मैं गई हूँ इस बेकार आदमी से शादी करके। अरे अपनी बहन रुखसार को तो आज नाज़नीन मनाना चाहती है। रुखसार बहन सब कहा सुना माफ, जो भी मैंने कहा भूल जाओ, अब से तुम इसी घर में रहोगी। ये भैंस कौन सी भीम बजाने लगी। अब्बू आप अपना एक गंदा मुंह चमकाओ। रुखसार मेरी बहन एक बात बताओ, अपनों की कही हुई बात का कोई बुरा मानता है भला। अपनों को तो सिर्फ ताने मारते हैं और भगोड़ा और गद्दार और क्या कहा था आपने। प्यारा 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 नहीं अम्मी, मुफ्तखोर 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 ये सब कहकर बुलाते हैं है ना। रुखसार रुखसार मेरी बहन तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। माना कि मैंने तुमसे उलझलूल कुछ कह दिया, लेकिन दिल बड़ा रखो, मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने कहा भूल जाओ, अब से तुम इसी घर में रहोगी और आज रात का खाना भी हमारे साथ खाओगी। हाँ चाची जान, भाभी के तेवर कुछ ज्यादा ही बदले बदले लग रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। रुखसार इतना भी क्या सोचना भला, जानती हो आज रात के खाने के लिए नाज़नीन ने क्या क्या तैयारियां की हैं? हिंदुस्तान के खास खास पकवान बना रही हूँ, खिचड़ी जिसे पानी में औटा औटा कर इसलिए नाज़नीन बना रही है ताकि तुम्हारी हलक में ना अटके, उसमें मिर्च मसाला भी नहीं है ताकि तुम्हें ठसका न लग जाए। ये सब नाज़नीन कर रही है तुम्हारे लिए और तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ बेगम। आखिरी अल्फाज बोलने हैं? नहीं ना तो पीछे हटो। भाभी हमें यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया और खाने पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रात को मुलाकात होगी। जर्रा नवाजी। अरे बेगम ये क्या किया तुमने, वजीर आला हमें कच्चा चबा जाएंगे। घास की सूखी हुई तीली जैसे मेरी शौहर। वजीर आला ने क्या कहा, इन पर नजर रखना, अगर इनको घर से भगा दूंगी तो तुम्हें कौवा बनाकर ऊपर से नजर रखूंगी क्या। अगर वजीर आला की बात मानेंगे तो वजीर आला खुश, वजीर आला खुश तो हमारी पहुंच महल तक। जिन हाजिर हुआ। तुम कहां से आ गए, हम असली जिन को याद कर रहे थे, चिराग के जिन को। जिन की कीमत ताकत नहीं वफादारी तय करती है आका।
सर फिरे हाथी और वफादार चीटी के दरमियान सर फिरे हाथी की कीमत ज्यादा होती। अच्छा तो मैं चींटी हूं, तो चींटी की पहेलियां आपको काटने आ रही है आका। किसको मिला खाना, किसको मिला फाका, कौन है इस दुनिया में सबसे बुरा आका? हमारी शान में गुस्ताखी। मैं तो अलादीन की बात कर रहा था आका, आप तो बुरा मान गए। बच्चा पुराना, खिलौना नया है, जब से मिला है पवरा गया है। फिर से हमारी शान में गुस्ताखी। मैं तो चिराग के जिन और उसकी ताकत की बात कर रहा था। मेरी नजर में तो आप दुनिया के सबसे शातिर और शानदार आका है, पर अफसोस आप ही की नजर में आप दुनिया के सबसे बुरे आका, नए खिलौने से भवराए हुए बच्चे हैं। अच्छी बात नहीं है। क्या हुक्म है मेरे आका? हुकुम जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि तुम इस निकम्मे को चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर दो। अभी लीजिए आका। क्या बना दिया तुमने? हम चाहते हैं कि तुम उसे ठोंग मारने वाला काला कौवा बना दो। गलती आपकी है। हुक्म ठीक से दिया करिए। कोई बात नहीं, मैं आपके शातिर दिमाग को सलाम करता हूं और आपके हुक्म की तामील। अभी कीजिए। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। जिनू तुम हो क्या? जिनू का आखिरी अल्फाज था चिराग, इसका मतलब मुझे चिराग ढूंढना, मगर कैसे? ये तो किसी का घर है। शायद ये जिनू का अगला इशारा है। शुक्रिया जिनू। ये किसका घर है और कहां? ये तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है। बेटे के तुम ये तस्वीर तो धुंधला रही है।
जिनू, ये घर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं इस घर को ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा जिनू। मुझे नक्चड़ के पास जाकर उसे अपने साथ चलने को कहना होगा, क्योंकि अब वो भी जिनू का सच जानती है। इस मुहिम में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। जरा संभल के, कहीं आपके ख्वाबों को आप ही की नजर न लग जाए। ए अंगूठी छाप, आगा के ख्वाबों में आग लग जाए, दीमक लग जाए, लेकिन नजर नजर न लगे। मैंने ठीक कहा ना आका? दूध देने वाली गाय लात भी मार दे तो बुरा नहीं माना करते। तुम कभी कुछ गलत कह सकते हो चिराग के जिन? शुक्रिया शुक्रिया। शायद आप समझे नहीं मेरे अकल के जादूगर आका। चिराग के जिन? जी आका। इस बुरी नजर वाले को तुम चमगादड़ बना दो। आका, ये बेइज्जती है। हाँ, लेकिन तुम्हारी नहीं, चमगादड़ों की। बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन सच कहें, अब सबर नहीं हो रहा हमसे चिराग जिन, सबर नहीं हो रहा। हमें बस जल्द से जल्द उस रास्ते की मालूमात हासिल करनी है जो हमें राज कायनात के बाकी राजों तक पहुंचाएगा। प्यार जहर है, जिन कहर है। आकाब जो हुक्म करें मैं वो करूंगा। आका, मैं आपका वफादार जिन हूं। अपनी राज़े कायनात में मुझे भी राजदार बनाइए। चुप चुप चप्पल चोर चुप। ये जिम्मेदारी वाला काम है, इसलिए मैं करूंगा। हाँ, जब आका फुर्सत में होंगे, पहेलियां सुलझाना चाहते होंगे तो वो तुम्हें बुला लेंगे, है ना आका? अरे अरे अरे, दिल तोड़ दिया तुमने इस बेचारे का। देखो अंगूठी के जिन, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते उसे मुंह नहीं लगाते। या अल्लाह, पहली बार जब मेरा घर उजड़ा मैंने सोचा कोई गुनाह किया होगा, कभी शायद उसी की ये सजा है। लेकिन दोबारा मेरा घर उजड़ा तो ये माँ उसे अपना नहीं तेरा गुनाह मानेगी। मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया, मैंने शिकायत नहीं की, अगर मेरे बेटे को मुझसे दूर किया तो ये मां सह नहीं पाएगी। हमारे जीनू को घर वापस भेज दे, जीनू को लौटा दे अल्लाह। या खुदा, इस जिन्नात से बगदाद की हिफाजत करना। मेरे मौला, पिछले कुछ दिनों से जिन के कहर से राहत है,
ये सुकून बनाए रखना। तू एक मां को खाली हाथ नहीं लौटने देगा, तू मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा, मेरे बेटे को घर लौटा देगा। भैया